महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक प्रश्न बहुत फ्रिक्वेंटली हमारे सामने आता रहता है कि जो मंगली दोष है वो क्यों स्त्री के लिए ज्यादा खतरनाक, ज्यादा घातक, ज्यादा परेशानी देने वाला है, जबकि पुरुष की कुंडली में वो ही योग इतना खतरनाक या घातक नहीं हो पाता है। साथियों, वैसे तो इसका उत्तर बहुत सामान्य है, उस सामान्य उत्तर को भी जानेंगे और साथ ही एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको जानने का प्रयास करेंगे। इसको हम जानें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना प्रश्न लिखें उससे पहले हैशटैग आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथ ही 2021 आ चुका है और यदि आप भी जानना चाहते हैं अपनी राशि का हाल तो आई बटन में हमने उस राशिफल के भी लिंक दिए हैं, वहां जाकर के आप इसको जरूर देखें। एक और बेहद जरूरी सूचना कि प्रति माह जो अंतिम रविवार आता है उस रविवार को दोपहर 12:15 बजे हम लाइव आप तक आएंगे। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं फोन लगा करके और लगभग 45 मिनट का वो सेशन रहेगा। तो साथियों, मंगली दोष क्यों है स्त्रियों के लिए ज्यादा घातक या खतरनाक? साथियों, हमारे यहां जो विवाह का स्ट्रक्चर है उसमें शादी तो कहने को दोनों की होती है, पर शादी के बाद में जो जीवन परिवर्तित होता है वो एक स्त्री का परिवर्तित होता है। अपना घर छोड़ करके लड़का नए घर में नहीं जाता, जो स्त्री है वो अपना घर छोड़ करके एक नए घर में प्रवेश करती है। उसके बाद में जो संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया है उसका वरदान कुदरत ने स्त्री को दिया है। पुरुष अपने शरीर में 9 महीने शिशु को नहीं पालता है, स्त्री पालती है। और हमारे समाज का एक स्ट्रक्चर है कि जब भी चरित्र का फैसला करना होता है तो उसमें पुरुष को बहुत लिबर्टी दी हुई है, वो किसी से भी बात करे, उठे बैठे, उसके चरित्र पर कोई संदेह नहीं किया जाता। पर यदि यही कार्य स्त्रियां करना प्रारंभ कर दे तो उसके चरित्र पर, जी हाँ, सीधा उसके चरित्र पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगना प्रारंभ हो जाते हैं। इसको हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानेंगे और मैं स्वयं अपना अनुभव, अपनी रिसर्च आपके समक्ष भी रखूंगा, खास तौर पर मंगली दोष को लेकर के कि दो ऐसे कौन से भाव हैं जहां पर बैठा हुआ मंगल भी वैसा ही प्रभाव देता है जैसा कि मंगली दोष देता है। तो आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से बिना किसी देरी किए हुए इस एपिसोड के मंगली दोष से संबंधित चरित्र और इसको जानें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक खाली जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, किसी भी लग्न की ये हो, किसी भी राशि की हो। आम तौर पर आपको पता है कि मंगली किसे कहा जाता है, किसे समझा जाता है, कौन होता है, जिसके कि 1, 4, 7, 8 और 12 विभाव, अर्थात लग्न भाव, सुख भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। यदि यहां पर में से कहीं भी मंगल विराजमान है तो उसको हम कहते हैं कि ये जातक या जातिका जो है ये मंगली दोष से पीड़ित है और इसके लिए जो जीवन साथी चाहिए वो भी मंगली दोष वाला ही होना चाहिए। यहां तक किसी प्रकार का कोई संदेह, कोई शुभा नहीं होना चाहिए। इसका कारण क्या है कि यहां पर बैठा हुआ मंगल व्यक्तित्व को या सप्तम भाव को या तो सीधी दृष्टि से देखता है और अपनी चतुर्थ, सप्तम और अष्टम, क्योंकि ये तीनों दृष्टियां मंगल को प्रदान की गई है, तो वो सेक्स,
चूंकि जो शादी के बाद में सबसे बड़ा कारक है संतान का, वैवाहिक जीवन का, उसको लेकर के भी बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर देखा गया है। अब यहाँ पर आ जाएं कि दूसरे पक्ष में स्त्रियों को आप एक निगाह डालिए, कुटुंब भाव जो कि द्वितीय भाव है, स्त्रियों के लिए खास तौर पर यदि इस घर में भी मंगल विराजमान है तो भी ये सारे ही दोष मंगली दोष भी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भाव है कुटुंब भाव। एक स्त्री विवाह के बाद में एक नए कुटुंब में प्रवेश कर गई है, उसको नया कुटुंब और नया सरनेम यहां पर मिला है, यहां पर उसका कुटुंब भी प्रभावित होगा। और आप देखते हैं कि यहां पर जो बैठा हुआ मंगल है वो अपनी चतुर्थ दृष्टि से सीधा संतान भाव को देख रहा है, और संतान चूंकि स्त्री को ही पैदा करनी है इसलिए यहां पर मंगल उसको प्रभावित किए बिना नहीं छोड़ता है। अब यहां पर बैठा हुआ मंगल अपनी सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है। अष्टम भाव ससुराल का भाव है। एक लड़का जिसको कि उसे भी शादी के बाद में ससुराल मिलता है परंतु वो दुआ सलाम तक सीमित रहता है, परंतु एक स्त्री जो कि नए घर में गई है वहां पर उसको अपने ससुराल के सभी लोगों से बना करके रखना पड़ता है, इसलिए मंगली दोष यहां पर भी प्रभावी माना गया है। देव केरलम नामक एक शास्त्रीय ग्रंथ है, उसमें द्वितीय भाव में बैठे हुए मंगल को भी मंगली दोष ही माना गया है। साथियों, अगली स्थिति यदि किसी लड़की के जन्म पत्रिका के पंचम भाव में जो कि संतान का भाव है यदि मंगल विराजमान हो तब भी उसको मंगली दोष जैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि पंचम भाव अपने आप में गर्भ अवस्था का भाव, पंचम भाव प्रेम का भाव, पंचम भाव संतान का भाव है, तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल यहाँ इसको पीड़ा जरूर प्रदान करता है। फिर अपनी चौथी दृष्टि से वो फिर अष्टम भाव अर्थात ससुराल पक्ष के भाव को देख रहा है, वही सारी बातें जो अभी हमने कही हैं। तो साथियों, ये हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से जाना है, समझा है कि एक कन्या को मंगली दोष क्यों अधिक परेशान करता है। साथियों, ये एपिसोड बनाने का विशुद्ध उद्देश्य केवल इतना ही है कि मंगली दोष को लेकर के अवेयरनेस आप तक पहुंचाई जाए, और कई बार चूंकि ग्रंथों की अपनी सीमा रेखा होती है उसमें समय समय पर अपने अनुभव और अपने शोध के आधार पर संशोधन भी किए जाते हैं, तो हम भी अपने अनुभव और शोध के आधार पर आपको बतला रहे हैं। हालांकि कुछ शास्त्रीय ग्रंथों में भी इसके रेफरेंस हैं कि 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में तो लड़का और लड़की दोनों पर लागू होगा, परंतु कुटुंब भाव अर्थात द्वितीय भाव और पंचम भाव अर्थात संतान भाव ये दो अतिरिक्त हो गए स्त्री के लिए। मतलब एक स्त्री को एक मंगल द्वितीय भाव में और पंचम भाव में भी मंगली दोष जितना ही कष्ट प्रदान करता है, तो कुंडली मिलान में इसका विशेष ध्यान रखा जाए, इतना ही आपसे निवेदन प्रार्थना है। तो साथियों, आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है स्वाति जी का, जो कि उन्होंने लिखा है सतना मध्य प्रदेश से। स्वाति जी, आपने जानना चाहा है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। स्वाति जी, आपका जो विवाह का लॉर्ड है, जो सप्तमेश है, वो है गुरु, और वो जाकर के बैठे हैं द्वादश भाव में। फिलहाल अभी शादी के आपका योग नहीं है, नवंबर 2021 के बाद में आपके शादी का योग निर्मित होगा। कुंडली जरूर मिलाइएगा, अच्छे पति को प्राप्त करने के लिए, अच्छे जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए आपको नियमित रूप से ललिता स्त्रोत्र का पाठ करना चाहिए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, आज हमने चर्चा की मंगली की, खास तौर पर स्त्रियों को लेकर के, दो ऐसे कौन से भाव हैं जो अतिरिक्त हैं जिन भावों में होने पर मंगली जितना ही परिणाम स्त्रियों को भुगतना पड़ता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।